हुए हैं, एक सीट पे चुनाव नहीं हुआ, 542 सीटों पे चुनाव हुए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री, बीजेपी और कांग्रेस के बीच ये चीज़ें और काफ़ी अन्य दल भी है जिनके बारे में अभी तक आकलन लगाया जा रहा है कि ऐसा होगा वैसा होगा। सभी चीज़ें 23 तारीख को आपके बीच और सबके दुनिया के सामने पेश हो जाएंगी, कौन सा देश का प्रधानमंत्री होगा दोबारा भारत का। और दोस्तों, हम जो आज सीट के बारे में बात करने जा रहे हैं, हरियाणा में काफ़ी बदलाव आए चुनाव के अंदर, आपको पता भी है इस चीज़ का। पहले जैसे जैसे वोट पड़ने से पहले जो चीज़ों पे सर्वे लगाया जा रहा था, सर्वे में बताया जा रहा था कि ये बंदा आगे चल रहा है, ये प्रत्याशी आगे चल रहा है, हम सबसे पहले हिसार सीट की, जो कि हरियाणा की सबसे हॉट सीट माने जाने वाले हिसार सीट के बारे में हम आपको कुछ विस्तार से बताएंगे। आज उस सीट की पोजीशन क्या है और सर्वे आज और सर्वे और रुझान क्या कह रहे हैं। तो सबसे पहले जब चुनाव में प्रत्याशी खड़े हुए, पहले लोकसभा के एमपी यहां पे दुष्यंत चौटाला है, जो कि नई पार्टी अभी हाल में ही लॉन्च हुई थी जेजेपी के नाम से, जननायक जनता पार्टी। दूसरी पार्टी कांग्रेस है, जो कि भव्य बिश्नोई है, कुलदीप बिश्नोई के बेटे, जो कि कांग्रेस की टिकट पे लड़ रहे हैं। तीसरे कैंडिडेट हैं विजेंद्र सिंह, जो कि वीरेंद्र सिंह डूमर खां के बेटे हैं और केंद्रीय मंत्री भी हैं इनके फादर। और ये इन्होंने रिटायरमेंट लिया है, ये डीसी थे और आईएएस की पढ़ाई की हुई है, काफ़ी बड़े पद से इस्तीफा दे के चुनाव के मैदान में उतरे। और सबसे पहले चुनाव से हरियाणा में जो वोटिंग हुई थी वो 12 तारीख को हुई थी, 12 तारीख से कम उससे 20 दिन पहले आकलन लगाया जा रहा था कि बीजेपी काफ़ी आगे दिख रही है, उसके बाद कांग्रेस काफ़ी आगे दिखी और यहाँ पे प्रियंका गांधी ने यहाँ पे दौरा भी किया, लेकिन उसके बाद जेजेपी भी काफ़ी आगे हो भाई सीट के ऊपर। तीनों प्रत्याशी सबकी इज्जत दाव पे लगी हुई थी और लगी हुई है आज भी, 23 तारीख को इसका प्रॉपर तरीके से पता लग पाएगा। और इसके बारे में आज का जो सर्वे हमारा जो कह रहा है, आज के सर्वे में पहले नंबर पे जो हमारा सर्वे, आपको मैंने कुछ दिन पहले भी आपको सर्वे बताया था कि इस सीट के ऊपर जो हमारा आकलन है और कैसे बदलाव हुआ एकदम, वो सारी चीज़ें हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले आज जो हिसार का रुझान हम बताने जा रहे हैं, वो हिसार सीट बीजेपी के पक्ष में जाती हुई नज़र आ रही है और कम से कम 50,000 वोटों से आज हमारा जो रुझान बता रहा है, 50,000 वोटों से विजेंद्र सिंह बीजेपी प्रत्याशी जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरे नंबर पे जेजेपी के कैंडिडेट, तीसरे नंबर पे भव्य बिश्नोई हमें नज़र आ रहे हैं। हालांकि भव्य बिश्नोई का एक रीज़न भी ये भी रहेगा कि उनका चुनाव शुरू से लेके ऊपर तक नहीं उठ पाया, जैसे कि प्रियंका गांधी ने भी यहाँ पे प्रचार किया, बड़े नेता है और उनके कारण भी चुनाव में कोई खास फर्क नहीं पड़ा और चुनाव ऊपर नहीं उठ पाया, इस कारण काफ़ी नीचे रहा और उसका खामियाजा में हमारे हिसाब से दुष्यंत चौटाला को भुगतना पड़ा है पूरा का पूरा, क्योंकि शहरी वोटर है और ग्रामीण वोटर है वो बीजेपी के पक्ष में जाते हुए ज़्यादातर नज़र आए। उसके बाद ऐसी दूसरी हॉट सीट की हम बात करेंगे, सिरसा की। काफ़ी चैनल सिरसा में कांग्रेस पार्टी को जिताते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन हमारा सर्वे बीजेपी को ही जिताता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि वहां पे डाउन हुआ था बीजेपी का थोड़ा सा फ्लोर, लेकिन वो एकदम उठ गया जिस दिन वोटिंग हुई, वो एकदम वोटिंग आज जब वोटिंग हुई है इस बार, वो पता नहीं लग पा रहा था कि किस लेवल पे लोग वोट करने जा रहे हैं, किस चीज़ को देख के वोट करने जा रहे हैं, किसी वोटर का पता नहीं लग पा रहा कि वो वोट किसको पोल करने जा रहे हैं। हालांकि पहले क्या होता था कि पता लग जाता था कितने वोट कहां पे जा रहे हैं, इस बार कुछ ऐसा नज़र नहीं आया। हालांकि 23 तारीख को आप हमारे चैनल पे देख पाएंगे CWT प्राइम पे, शाम सुबह 6 बजे से लेके हमारा आप लाइव देख पाएंगे, सुबह 6 से लेके शाम के 8 बजे तक हम पूरे देश का आपको एक बाय स्टेप आपको हर सीट का रुझान देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।